आज के इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि आप मोटर वाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप घर की किसी भी पानी की मोटर को वाइंडिंग कैसे करते हैं उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मोटर आई है जो कि किसी कारण से शॉर्ट हो चुकी है या फिर जल चुकी है। तो यहाँ पे इसकी वाइंडिंग नई कैसे करनी है, कैसे इसको काटना है, कैसे कॉइल को बैठाना है, कैसे कॉइल को बनाना है, कैसे गेज को चेक करना है, कैसे ट्रंक को गिनना है, इस प्रकार से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता लूँ कि ये जो मोटर है इसके सभी पार्ट्स को मैंने पहले से खोल दिया। कैसे खोलना है ये आपको आता ही होगा, यदि नहीं आता तो मेरे चैनल के अंदर उसका भी वीडियो जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर है इसकी जो वाइंडिंग है इसको हमें निकालना है। तो निकालने के लिए आया तो फिर आप इसको काट सकते हैं, और यदि ये पत्थर जैसा कड़क हो चुका है तो यहाँ पर आप टी की चीनी लेके आप इसके किनारों को सही से काट सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो खांचे हैं वो ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने हथौड़ी की सहायता से और चीनी की सहायता से इसको चारों ओर से एक समान काट लिया है, और सही से काट के यहाँ पे मैंने इस ऊपर वाले भाग को साफ भी कर लिया है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी आप इस मोटर को काटते हैं तो आपकी जो ऊपर वाली कॉइल है जिसको हम स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरी ये जो कॉइल है वो 1 से 10 और 1 से 12 के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालने से पहले ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो कॉइल है उसके कितने सेट है। यहाँ पे इसके 2 सेट है और एक जो है वो 1 से 10 है और 1 से 12 है। तो अब यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने पीछे से इसको काट लिया है, और यहाँ पे आपको सावधानी से निकालना है क्योंकि इसके टर्न भी आपको गिनने हैं। तो यहाँ पे अलग अलग निकालो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि ये पत्थर जैसा है जिससे कि इसके टर्न मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस कोने की सहायता से भी निकाल सकता हूँ। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसको पटक कर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 कॉइल है जो कि स्टार्टिंग की कॉइल है वो निकल चुकी है, और इसी प्रकार से आप जो दूसरा सेट है इसके सामने वाला सेट है इसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं इसका जो सामने वाला स्टार्टिंग का सेट है इसको भी निकाल देता हूँ। निकालने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ये मिक्स नहीं हो, आपको दोनों जो कॉइल है इसको अलग अलग रखना है, और यहाँ पे इसके टर्न भी गिन लेने हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जब यहाँ पे आप इसके काटते हैं तो इससे पहले आपको चेक कर लेना है कि गेज डबल है या सिंगल है। ऑलमोस्ट 99% सिंगल वायर ही चलता है, परंतु किसी किसी मोटर के अंदर डबल वायर भी चलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब देखना है कि हमारी जो रनिंग कॉइल है जो नीचे वाली कॉइल है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरी ये जो कॉइल है वो 1 से 6, 8, 10 और 12 है, तो ये भी मैंने नोट कर लिया है। अब एक एक कॉइल को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेट जो रनिंग का है उसको अलग कर लिया है, और एक जो स्टार्टिंग का सेट है उसको अलग कर लिया है, और इसका जो कचरा है इसको भी मैं निकाल देता हूँ, और इसको मैंने साफ़ कर लिया है। अब साफ़ करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका जो गेज है वो चेक करना है। तो यहाँ पे जो रनिंग का जो वायर है उसको लेके इस प्रकार से चेक करना है। आप इसको मार्केट में जहाँ से वायर लाते हैं वहाँ पर भी चेक करा सकते हैं यदि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो, परंतु मुझे इसकी जानकारी तो मैंने चेक कर लिया है। और चेक करने के बाद यहाँ पे ये जो मोटर है इसकी जो साइज़ है पेपर की ले लिए वो मैंने निकाल दी है। यहाँ पे इसकी एक साइज़ है, अब इसके अनुसार मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी साइज़ निकाल दी, और अब क्या करूँगा कि मेरे पास दूसरे पेपर मैंने इस साइज़ के काट लिए हैं जो कि थोड़े बड़े, क्योंकि हम इसको फोल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कई सारे टुकड़े कर लिए हैं। अब टुकड़े करने के बाद आपको इसको इसके अनुसार आपको फोल्ड करना है। तो चलिए मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ, और हथौड़ी की सहायता से मैंने इसको फोल्ड करके ऐसा कर लिया। अब दूसरा जो किनारा है इसको भी मैं इसी प्रकार से फोल्ड कर लेता हूँ, और फोल्ड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आराम से आपकी मोटर के अंदर आना चाहिए, न तो बड़ा होना चाहिए न ही छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया ताकि ये जो पेपर है जब भी मैं मोटर के अंदर बैठा हो तो ये निकले नहीं, इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके किनारों को फोल्ड करने के पीछे यही कारण है कि ये निकले नहीं।
तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से बैठा लेना है। अब यदि आपको लगता है कि सही से बैठ चुका है तो इस साइज़ के सभी पेपर को काट के आप इस प्रकार से बैठा सकते हैं। अब यदि आपने यदि इन पेपर को सही से बैठा दिया है तो यहाँ पे ये जो पेपर है वो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है, जिसको पीवीसी पेपर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी रनिंग कॉइल है, इसकी कॉइल की साइज़ मैंने निकाल दी है। सबसे छोटी वाली कॉइल है वो 1 से 6 के अंदर थी, तो यहाँ पे मैंने इसकी साइज़ ली और थोड़ी सी बड़ी साइज़ ली है ताकि जो ऊपर वाली कॉइल है वो इसके अंदर आराम से आ सके, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज लिया। अब यहाँ पे मैंने मोटर का जो भी डेटा था उसको मैंने गिन लिया, जो कि कॉइल का डेटा है, और उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मैंने लिख ली है, कौन सा गेज है, कहाँ से कहाँ तक है, ऊपर वाली कॉइल में कितने आटे हैं, नीचे वाली कॉइल में कितने आटे, सारी यहाँ पे लिख ली। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कॉइल का फर्मा है, जो मैंने मोटर की कॉइल की साइज़ निकाली थी वो सबसे छोटे में सेट करके यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं रनिंग का जो सेट है, जो कि 4 का सेट था, तो उसके यहाँ पे मैं टर्न ले लेता हूँ, तो यहाँ पे उसके जो टर्न थे वो 96 थे, तो यहाँ पे 96 लेके उसके बाद उसके पास वाली कॉइल को बनाता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर भी हमें 96 टर्न लेने, तो चलिए मैं इसको भी इस प्रकार से बना लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको चेक करना है कि आपके मोटर के अंदर कितने का सेट है, उसके अनुसार यहाँ पे फर्मे के अनुसार आपको सेट बनाना है, और आपको इस प्रकार से इस सेट को कंप्लीट कर लेना है जिस प्रकार से मैंने किया है, इस प्रकार से आपको भी सेट को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा 4 का सेट बन चुका है, जो कि रनिंग कॉइल के अंदर थे, तो यहाँ पर मैंने अब इसको बांध भी लिया ताकि अलग अलग सेट मिक्स न हो जाए। अब यहाँ पे इसको निकाल के हमें इस सेट को ऐसा का ऐसा हमारी जो मोटर है उसके अंदर बैठाना है, बस हमें ये देखना है कि हमारी जो कॉइल है वो कहाँ से कहाँ तक थी। और यहाँ पे मैंने इसका वजन भी कर लिया है, अब मेरा वजन भी सही है, तो अब यहाँ पे हमें इस सेट को ऐसा का ऐसा जो हमारी मोटर के खांचे हैं इसके अंदर बैठाना है, तो सबसे छोटे वाली 1 से 6 के अंदर, उसके बाद आपको 1 से 8, 10 और 12, आपकी मोटर के अनुसार कैसे आपको वैसा बैठाना, सबके अंदर अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मोटर के सेट को बैठाएं तो आपका जो आउटर है वो इस साइड होना चाहिए और इनर इस साइड होना चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग चेहरा है वो इस साइड होना चाहिए और जो ख़त्म हो रहा है वो चेहरा दूसरी तरफ होना चाहिए, दोनों पास में नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे आपने जैसे सेट को बनाया है बिल्कुल वैसा इसके अंदर बैठना चाहिए। और यहाँ पे बैठाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो वायर कनेक्शन है वो वहाँ पर ही होने चाहिए जहाँ पर छेद था, तो यहाँ पर मैंने जो छेद है वो उस साइड था, तो मैंने इसके कनेक्शन के जो चेहरे हैं वो उस साइड रखे हैं। और यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली कॉइल है वो 1 से 6 के अंदर बैठा दिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें इस पूरे सेट को बैठाना होता है, तो सबसे छोटा बैठ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बचा हुआ चेहरा इस साइड है, तो अब दूसरा जो सेट बैठेगा वो ऐसे बैठेगा, मतलब आपने जैसा सेट बनाया है उसी अनुसार बैठाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने चेहरा स्टार्ट किया था वो दूसरी तरफ होना चाहिए, और जहाँ पर चेहरा ख़त्म होता है वो उस तरफ होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सही से इसको यहाँ पे दबा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग का जो एक सेट है इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट बैठा दिया है, इसी प्रकार से आपको भी बैठाना है। और उसके बाद जो दूसरा सेट है इसको भी आपको ऐसा का ऐसा उसके अंदर बैठाना है, बस आपको एक एक सेट को लेके फिर आपको बैठाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग के दोनों सेट यहाँ पे मैंने बैठा दिए, और यहाँ पे इसको बांध भी लिया ताकि ये जो है वायर ये मिक्स ना हो जाए। अब इसके बाद इसके जो कनेक्शन है वो करने होते हैं, तो इसके सादे कनेक्शन होते हैं, तो सादे कनेक्शन कैसा होता है कि आमने सामने के जो आउटर है उन दोनों को हमें मिलाना होता है। किसी के अंदर पैरेलल कनेक्शन होते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल के अंदर बताया हुआ है, तो यहाँ पे अधिकतर मोटर के अंदर लगभग 90% ऐसे ही कनेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन को भी ध्यान में रख के खोलना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इनर दो चेहरे रहे, जो कि हमारी मोटर के रनिंग के चेहरे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल की साइज ले लेता हूँ, जो कि 1 से 10 के अंदर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 10 के अंदर मैंने यहाँ पे साइज लेके थोड़ी सी बड़ी साइज ली है, और यहाँ पे इस फर्मे के अनुसार यहाँ पे मैंने सेट किया, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो सेट है वो भी मैंने बना लिया है। और बनाने के बाद आपको उसी प्रकार से बैठाना है जिस प्रकार से आपने पहले बैठाया, और कनेक्शन भी उसी साइड आपको रखने हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक कॉइल है वो यहाँ पर बैठ चुकी है। अब दूसरी बैठाना चाहते तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चेहरे है वो एक तो उस साइड होना चाहिए तो एक इस साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो ये सेट है वो बैठ चुका है। इसी प्रकार से आपको जो दूसरा सेट है इसको भी इस प्रकार से सही से बैठा के और सही से आपको दबा के सेट कर लेना है। तो यहाँ पे वाइंडिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल है इन दोनों के बीच में आपको पेपर लगाना है। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल है ये दोनों आपस में कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे ये पेपर को बैठाना होता है और आप इस पेपर को सही से काट के बैठा सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी डोरी की सहायता से या फिर चिद्दी की सहायता से आप इसको ऐसे फिट कर सकते हैं जिससे कि पेपर बाहर नहीं निकले और आपकी जो कॉइल है वो भी कहीं टच नहीं हो। तो यहाँ पे इसको आपको सही से ऐसे बांध लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बांध लिया है और सही से मैं यहाँ पे किसी भी लकड़े की सहायता से इसको दबा लेता हूँ ताकि इसका जो आर्मेचर है वो इसके अंदर सही से आ जाए, कहीं भी टच नहीं हो। तो यहाँ पे जो पीछे वाली वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आगे वाली वाइंडिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है कि पेपर को यहाँ पे लगा लेना है ताकि किसी भी कॉइल जो स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल है वो आपस में टच नहीं हो। उसके बाद हमें जो ऊपर वाली कॉइल है जिसको हम स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं तो उसके कनेक्शन हमें आमने सामने करने, मतलब आउटर से आउटर मिला देना है और इसके बाद इसका सोल्डर भी कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि जो अंदर वाली कॉइल है उसके लिए लाल वायर मैंने लगाया है और जो बाहर वाली मतलब जो ऊपर वाली कॉइल है जिसको हम स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं उसके लिए मैंने काले वायर इस पर लगा लिए और यहाँ पे सोल्डरिंग भी कर लिया। तो हमारे पास टोटल 4 वायर निकलते हैं और दूसरे हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इन वायर पर स्लिप पहना के इन वायर को बाहर भी निकाल दिया है और निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको सही से सेट करने के लिए डोरी से इसको बांध लेता हूँ। आपको भी इस प्रकार से बांध लेना है और सही से आपको दबा के सेट कर लेना है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है वाइंडिंग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके जो पेपर है उसको हमें टेस्टर की सहायता से आप किसी भी सहायता से उसको दबा लेना ताकि ये ऊपर कहीं भी टच नहीं हो। और दबाने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपकी वाइंडिंग सही है या नहीं। तो आप इस वाइंडिंग को सीरीज से चेक करते हैं तो लाल से लाल मिलना चाहिए क्योंकि लाल जो वायर है वो हमारे रनिंग के वायर है और काले से काला वायर यहाँ पे सीरीज के अंदर बताना चाहिए। सीरीज कैसे बनती है इसका वीडियो मेरे चैनल के अंदर आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको चेक करना है कि मोटर शॉर्ट तो नहीं है। अब यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको जो ये तार पिन है जिसको हम वार्निश बोलते हैं इसको भी यहाँ पे इस प्रकार से लगा लेना है। इसको सही से पिला लेना है चारों और आपको ऐसे करके फिर आपको इसको लगभग 2 घंटे के लिए सुखा देना है और सही से आपको पिला लेना है। उसके बाद आप अपनी मोटर जब सूख जाए तो उसको फिट कर सकते हैं। अब फिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे फिट करते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल के अंदर है। इसके अंदर बैरिंग खराब है तो कैसे बदलते हैं इसका भी चैनल के अंदर वीडियो है जो ऐसे आप देख सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे फिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मोटर को फिट कर लेता हूँ। फिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको सही से और एक लेवल में फिट कर लेना है। उसके बाद पीछे वाला जो ढक्कन है इसको भी यहाँ पर आपको लगा लेना है। बैरिंग खराब है तो बैरिंग बदल सकते हैं, कैसे बदलते हैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से आप जब स्टेट को लगाते हो हाथ से घुमा के देखना कि आपकी मोटर फ्री घूम रही है या नहीं। यदि सही घूमती है तो आप फिर इसके कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन करने से पहले आपको चेक कर लेना कि इसका जो कैपेसिटर वो सही है या नहीं। तो आप जब इसको स्पार्क करते तो सही से टिकड़ी फूटनी चाहिए, तो उसका मतलब ये कि कैपेसिटर सही है। अब यदि कैपेसिटर सही है तो आपको क्या करना है कि जो काला और लाल वायर इन दोनों को मिला देना है और दूसरा जो काला और लाल है उसको आपको कैपेसिटर के साथ जोड़ना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जब आप इसको डायरेक्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो मोटर है वो लाल और लाल पर चलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटर इस साइड घूम रही है, मतलब ये सीधी घूम रही है। यदि उल्टी चलती तो इस वाले लाल वायर को आप उस जगह लेके जा सकते हैं यदि उल्टी चलती है, परंतु मेरी मोटर सही चल रही है। तो यहाँ पर मैं
कोई भी चेंज करने वाला नहीं। यदि उल्टी चलती है तो लाल ये वाला उस साइड लेके जाता हो तो सीधी चल जाती है। अब यहाँ पे जो काला वायर है उस पर टैप लगा लेता हूँ। हमारे पास जो मेन वायर है वो एक तो लाल और काला है, ये दोनों एक ओके एक मेन ये हो जाता है। और दूसरा जो मेन है वो कैपेसिटर के साथ जो लाल वायर लगा हुआ ये मेन है। अब मेरे पास एक वायर है जिसको मैं यहाँ पे इन दोनों के साथ मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और यदि आप मोटर की वाइंडिंग कंप्यूटर के द्वारा डायग्राम से सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो मेरे चैनल के अंदर है, जिसके लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब यहां पे इस मोटर को मैं चला के चेक कर लेता हूं कि ये मोटर कैसे चलती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये मोटर बिल्कुल सही चल रही है और किसी भी प्रकार की और इसके अंदर समस्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारी मोटर बिल्कुल ओके है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।